हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे बताइए और कैसी वीडियो आप देखना चाहते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरीके के डे टू डे के बेसिस पे हम कैसी मेकअप लुक कर सकते हैं। मैंने पिंकिश आइज करी हैं, बीच में थोड़ा सा हेलो इफेक्ट दिया है, अगर आपको सिल्वर सा वो हेलो इफेक्ट दिख रहा है, और पिंक लिप्स की है और ब्लश दिया है एंड सिंपल एक पोनी बनाई है। तो हम ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए इस तरीके की प्रिटी लुक कर सकते हैं। यहाँ वही हमने प्राइमर लिया है सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए, उसके बाद हमने वो अपने फेस पे लगाने के बाद हमने फाउंडेशन ली है। इस स्टेप में मैंने एक मिस्टेक करी थी, अगर आप उसे देख पाएँ क्या मिस्टेक थी फाउंडेशन लगाने में तो ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताना एंड आई विल डेफिनेटली मैंशन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो मैंने फाउंडेशन लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है सारी जगह पे, और बहुत लाइट फाउंडेशन है। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है मैंने अपनी आईज़ के ऊपर, अपनी आईज़ को प्रेप करने के लिए। इससे जो कलर की इंटेंसिटी होती है, जैसे लाइट कलर्स हैं पिंक और ये सब, तो वो जनरली इतने अच्छे से उभर के नहीं आते। अगर आप अपने आईज़ के ऊपर कंसीलर लगाएंगे तो ये जो कलर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे से उभर के आएंगे। सो अब एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी आईज़ के नीचे और अपनी आईलिड्स के ऊपर इस कलर को कंसीलर को अच्छे से फैला दिया है एंड बेक करने के लिए मैंने मिनीसो का लूज पाउडर लिया है और ये अपने पूरे फेस पे लगाया है। ये वेटन वाइल की जो आईब्रो किट है उससे मैं अपनी आईब्रोज को लाइक सेट कर रही हूँ और बना रही हूँ। इसमें एक दो पाउडर्स आते हैं और एक जेल आता है वाइट कलर का सेट करने के लिए। अब मैं एक और फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और ये जो पिंकिश कलर आप देख रहे हैं पिंकिश टोन में, उस कलर को ले रहे हो। आप चाहे तो इसके लेफ्ट वाला कलर भी ले सकते हो, ये जो भी आपको डे टू डे में आप कैरी कर सकते हो वो कलर ले सकते हो। तो टैप करते हुए मैं इसको अपनी आईलिड्स के ऊपर लगा दूँगी। सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी जो ट्रांजिशन कलर होता है वो क्यों नहीं लगाया। सो जनरली जब आपका हाथ सेट हो जाता है तो आप ट्रांजिशन कलर बाद में भी लगा सकते हो, जैसे अब मैं ब्राउन कलर लगा रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि क्रीज कहाँ है और वहाँ किस तरीके से लगाना है। बट आप ट्राई करना, अगर आप न्यू हो मेकअप में तो आप पहले अपनी जो ट्रांजिशन शेड्स हैं वो लगा लो, उसको ब्लेंड कर लो, उसके बाद अपनी आईलिड पे कलर लगाओ। सो मैंने ये ट्रांजिशन शेड अपनी दोनों आईज़ पे लगा के उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो ब्लेंड हमें ऐसे करना है कि हमें पता ना चले कि ब्राउन कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, ट्रांजिशन कलर जो है, एंड पिंक कलर कहाँ से शुरू हो रहा है। सो इस तरीके से हम ब्लेंड करते हैं, उसको अच्छी ब्लेंडिंग बोलते हैं। मैंने जो आपको हेलो इफेक्ट बताया था, तो ये सिल्वरिश सा एक शेड था मेरी किट में, वो लेते हुए मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल सा हाफ मून सा बनाया है। सो अगर आप चाहो तो उसको पिंक आईज पे ही छोड़ सकते हो, मैंने थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए ये बनाया है। इसको भी हम इस तरीके से लगाएंगे कि अच्छा सा ब्लेंडर लुक रहे पिंक और इस शेड के बीच में, और इसी को मैंने एज अ हाइलाइटर यूज़ करते हुए अपने जो ब्राउ बोन है, जो आर्च है, उसके नीचे लगा लिया है। और मैं थोड़ा सा अपना ब्लश लगा रही हूँ, थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने लगाया है। मैंने इस स्टेप में भी एक मिस्टेक किया ब्लश लगाते हुए, अगर आप उसे पकड़ पाओ तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आपको मेंशन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब मैंने ये मालियो का डबल इफेक्ट आईलाइनर एंड मस्कारा जो मैंने कफ्स एंड लैशेस से लिया हुआ है, मैं इसकी डिटेल्स और कफ्स एंड लैशेस का भी जो लिंक ऐप वगैरह जो भी है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया है, आईलाइनर की ट्रिक्स एंड टिप्स जो है अगर आप जानना चाहो विंग्ड आईलाइनर की, नॉर्मल आईलाइनर की, तो वो मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर उनको देखो एंड ट्राई करो उन ट्रिक्स को, मुझे ज़रूर बताओ। सो अब मैंने ये आईलाइनर लगा लिया है अपनी दोनों आईज़ पे, कुछ ज़्यादा मैंने बोल्ड आईलाइनर नहीं लगाया है, एक सिंपल सा आईलाइनर लगाया है। दूसरी आईज़ पे भी मैंने अपने आईलाइनर लगा लिया है। अब मैं मस्कारा पाउच इसी डबल इफेक्ट का यूज़ कर रही हूँ अपनी दोनों ऊपर और नीचे की आई लैशेस पे लगा रही हूँ अच्छे से दोनों आईज पे। अच्छे से मैंने कोट कर लिया है। अब मैं एक एंगल सा टेपर सा ब्रश लेते हुए वेट एंड वाइल्ड की जो कंटोर किट है उसे लेके, वो ब्राउन शेड लेके अपने चीक्स को कंटोर कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा शैडो इफेक्ट दिखे और जो मेरे लाइक फेस है, चीक्स हैं, वो थोड़े से छिसल दिखे, और अपनी ये जो चीक बोन होती है उसके नीचे भी थोड़ा सा इसको मैं कंटोर कर रही हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा लाइक छिसल दिखे। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब मैं ये ग्लैम 21 का जो ग्लिटर है जो मैंने कफ्स एंड लैशेस से ही लिया था, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लेना, उसको अपने हैंड पे लेके इसे हाइलाइटर की तरह यूज़ करूँगी। सो काफ़ी प्रिटी लुक है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये ऐसा नहीं लगता कि चंकी ग्लिटर्स है, तो
कोर्स मैंने अपनी नोज़ पे भी इसको लगा लिया है। आप देख सकते हो सिर्फ चमक रहा है वो, ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ग्लिटर्स उठा के वहाँ रख दिए। अभी स्विस ब्यूटी का जो लिप शेड है इसकी डिटेल्स भी मैं नीचे लिख दूंगी, यह भी कफ्स एंड लैशेज से ही है। सो आप देख सकते हो इसमें एक मेटालिक शेड आता है, एक नॉर्मल शेड आता है। सो ये पिंक लिप्स भी हमने कर लिए हैं। आप टोटल इफेक्ट देख सकते हो किस तरीके का आ रहा है। आप इजीली अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में कैरी कर सकते हैं इजीली। सो ट्राई कीजिए सारे लुक्स, और लॉकडाउन के बाद जब भी आप ऑफिस जाने लगें तो फिर आपके पास नए नए लुक्स होंगे ट्राई करने के लिए, और आप तब तक ये प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट भी हो चुके होंगे। सो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक कर देना प्लीज़।